पेश है मुमरा का आलीशान ढाबा, जहां का स्वाद आपको छू जाए और आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहां पर क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। स्पेशल डिश में पाए चिकन अचारी ड्राई, चिकन हाउसिंग ड्राई, सलोनी ड्राई, हफ्सा राइस और भी लजीज पकवान, बेवरेज आइसक्रीम और फालूदा, फ्री होम डिलीवरी। इसके अलावा दस्तरखान, फैमिली रूम, वलीमा और बर्थडे सेलिब्रेशन स्पेस अवेलेबल। तो आज ही आए आलीशान फैमिली ढाबा। आज भाई क्या कहेंगे जिस प्रकार के आरोप कहना है सहनवाज क्या कहना है सहनवाज महेश दामोदर खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन मामले में गिरफ्तार शहनवाज मकसूद खान को मुमरा पुलिस ने गिरफ्तार करके उसके पास से लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए हैं। मुमरा पुलिस स्टेशन से आज थाने कोर्ट में पेश होने के लिए दोपहर के वक्त जब मुमरा से शहनवाज को लेके जाने के लिए पुलिस निकली, उस वक्त मीडिया कर्मियों ने शहनवाज से ये जानना चाहा कि आखिर शहनवाज किस तरह से ऑनलाइन गेम के जरिए धर्म परिवर्तन कराता था, मगर शहनवाज ने जवाब नहीं दिया। भाई क्या कहेंगे जिस प्रकार के आरोप कहना है सहनवाज क्या कहना है सहनवाज यहाँ पर देखिए हमारे हालांकि शहनवाज ने पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं दिया, मगर मुमरा पुलिस उसे थाने कोर्ट के लिए लेकर रवाना हो गई। थाने कोर्ट में शहनवाज के पेशी के वक्त भारी पुलिस का बंदोबस्त लगाया गया था। ट्रांजिट रिमांड के लिए थाने कोर्ट ने गाजियाबाद कोर्ट में हाजिर करने की परमिशन दे दी है। वहीं कोर्ट ने शहनवाज को गाजियाबाद ले जाने के लिए रूट पूछा कि आखिर किस रूट से ले जाएंगे, तो गाजियाबाद पुलिस ने बाय रूट ले जाने की बात कही है। शहनवाज को अगले 3 दिन यानी कि 15 जून को गाजियाबाद कोर्ट में पेश होने के निर्देश थाने कोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस को दिया है। शहनवाज को गाजियाबाद पुलिस लेकर मुंबई से गाजियाबाद के लिए रवाना हो गई है। वहीं थाने जोन 1 के DCP गणेश गावरे ने इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। के धर्मांतरण मामले में एक व्यक्ति को जो है वो अरेस्ट किया गया है गाजियाबाद थाने पुलिस से, अलीबाग से पकड़ा गया है। क्या है पूरा मामला, किस प्रकार के गतिविधियों में शामिल था, क्या कुछ जाँच में सामने? पिछले हफ्ते पुलिस स्टेशन कविनगर गाजियाबाद की एक पुलिस टीम मुमरा पुलिस स्टेशन आई थी। उन्होंने CR नंबर 434/2023 जो कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत ऑफेंस रजिस्टर था, उस ऑफेंस में जो आरोपी है 23 साल का आरोपी वो मुमरा का रहने वाला है, इसलिए उसको अरेस्ट करने के लिए हमसे मदद मांगी थी। गाजियाबाद के सीनियर ऑफिसर्स ने भी हमसे मदद की थी, इसलिए आरोपी के अरेस्ट के लिए मदद करने के लिए हमने 2 टीम्स बनाई थी। वो 2 टीम में से एक टीम ने कल गाजियाबाद के 2 पुलिस कांस्टेबल और हमारी मुमरा पुलिस की टीम थी, उन्होंने जाके अलीबाग से आरोपी को अरेस्ट किया है। आरोपी अरेस्ट करने के बाद उसे गाजियाबाद पुलिस स्टेशन को हैंडओवर किया। मुमरा पुलिस स्टेशन में अरेस्ट की प्रोसीजर की गई, उससे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या ऑफेंस से रिलेटेड चीज़ें गाजियाबाद पुलिस ने सीज की है, उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया और कोर्ट में 3 दिन का ट्रांजिट रिमांड उनको मंजूर किया है। एक अभी सवाल टीम गाजियाबाद के लिए रवाना होगी। एक सवाल और भी है, किन गतिविधियों में वो शामिल था, क्या उसके साथ और भी कोई लोग इसमें जुड़े हैं? दावा किया जा रहा है कि मुमरा इलाके में 400 से ऐसे ज्यादा जो है वो धर्मांतरण हुए, तो क्या थाने पुलिस भी इस मामले को लेकर के कोई जांच कर रही है? क्या कुछ एक लोगों के बारे में पता चला है जो इसका शिकार है? ऑफेंस रजिस्टर कविनगर पुलिस स्टेशन में, उसका इन्वेस्टिगेशन भी गाजियाबाद पुलिस कर रही है, उसका इन्वेस्टिगेशन अलग से हम कर नहीं रहे हैं। लेकिन इसमें वो कविनगर पुलिस स्टेशन को जिस भी प्रकार का असिस्टेंस चाहिए वो लीगल असिस्टेंस हम हमारी तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं। बताया जा रहा है उसने कई बार
सिम कार्ड भी चेंज किया, उसको लोकेशन ट्रैक करने में कितनी मुश्किलें आई और किस प्रकार से उसे ट्रैक किया गया? एक्चुअली वो टेक्निकल एनालिसिस से टेक्निकल के बारे में ज़्यादा डिटेल बताना यहाँ पे ठीक नहीं होगा, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के जरिए आरोपी तक हम लोग हमारी टीमें पहुंची। क्या सर अकेला था या उसके साथ और भी कोई लोग शामिल थे? उसके साथ कौन कौन पकड़ा गया है? उसको अकेले को अरेस्ट किया है। उन्होंने जो अरेस्ट के लिए रिक्विजिशन दिया था, लेटर दिया था, रिक्वेस्ट की थी, वो एक आरोपी की थी, उसी एक आरोपी को अरेस्ट किया है। सर और 10 दिन से फरार चल रहा था, उसका बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिया गया था, क्या लगता है कि अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं क्या? उसको जिस तरीके से पैसे की मदद जो हो रही थी, क्या इसके अंदर कोई और लोग भी शामिल हो सकते हैं? इसका जवाब गाजियाबाद पुलिस अच्छी तरीके से दे सकती है।